सो गया था। मेरी भी आंख लग गई, अब तबीयत कैसी है? ठीक। विकास बाबू, ये आपने बहुत नाजायज हरकत की। खैर चलिए, कहाँ है पोस्टमास्टर साहब? जी हाँ हुजूर, बुलवाए पोस्टमास्टर साहब को और उन्हें अच्छी तरह समझा दीजिए कि शरीफों की बस्ती है, यहाँ रास व्यय बचाना ठीक नहीं, इसे तो बेहतर है कि किसी कोठे पर। मुंह संभाल कर बात कीजिए। अपनी पत्नी का अपमान मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपकी बीवी? जी हाँ हुजूर, इनसे जरा पूछिए तो सही कि इनका ब्याह कब और कैसे। आप खामोश रहिए। मैं अभी हाजिर हूं दरबार साहब। चलो कल बाबूजी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। इस वक्त संकोच मत करो कल्याणी, चलो मेरे साथ। हम दोनों आपसे आशीर्वाद लेने आए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों का जीवन सुखी हो। आज जो कुछ भी हुआ इसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, कल्याणी के इसमें जरा भी दोष नहीं। यकीन कीजिए, सिर्फ आपको बदनामी से बचाने के लिए मैं कल्याणी का हाथ नहीं मांग रहा, मैं सचमुच कल्याणी से। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन हालात में पड़कर मुझे आपके पास कल्याणी के लिए आना पड़ेगा। पुलिस मेरा इंतजार कर रही है। मुझे सोचने का समय दो।